दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडुकेटर जी पे। जी हाँ, जैसा कि हमारा कोर्स है CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए छत्तीसगढ़ थ्रू मैप्स। जी हाँ, तो उसी कोर्स में आज हमारा जो टारगेटेड जिला है वो आपका बलौदा बाजार, काफ़ी इंपॉर्टेंट जिला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। खासकर से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रमुख व्यक्तित्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंस में काफ़ी पूछा जाता है और प्री के लिए भी काफ़ी फैक्ट बनते हैं इसमें। कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं कि पर्यटन स्थल कुछ इंपॉर्टेंट है और उद्योग के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है जिला। और खास करके जैसा कि मैंने बताया कि पर्यटन और यहाँ पे देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे कि आपका वीर नारायण सिंह है, यहाँ पे गुरु घासीदास जी भी यहाँ पे बिलोंग करते हैं, मिनी माता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये जिला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो हर एक एस्पेक्ट हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका बलौदा बाजार। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे यहाँ पे आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे CGPSC और UPSC से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारा बात चल रहा है कि हमारा भी संभाग चल रहा है रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में हमने धमतरी गरियाबंद महासमुंद कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो हम लोग जिला है, जो टारगेटेड जिला है, वो है अपना बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार को आज हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट में ये सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि हम लोग मैप के एनालिसिस करते हैं कि बलौदा बाजार में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बलौदा बाजार को अगर मैप में लोकेट करूँ तो आप देख सकते हैं ये है आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार देखें, अगर इसकी भौगोलिक परीक्षा की बात करें, सबसे पहले जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जिलों और कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो बलौदा बाजार है आपके पूर्णतः भू आवेष्टित जिला है। भू आवेष्टित मतलब कि इसका कोई भी हिस्सा आपका किसी अन्य राज्यों को टच नहीं करता है, ये टोटली आपका जिले के अंदर में घिरा हुआ जिला आपका कौन सा, तो बलौदा बाजार। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करेंगे कि ये आपका पूर्णतः भू आवेष्टित जिला है। अब देखते हैं कौन कौन से जिला से घिरा हुआ है, तो उसमें आपका आएगा यहाँ पे देख सकते हैं बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, मुंगेली है आपका, बेमेतरा है, रायपुर है और आपका महासमुंद। तो कुल इतने जिलों से आपका घिरा हुआ है कौन सा, तो जो है, और एक है आपका यहाँ पे रायगढ़ है। तो ये आप यहाँ इतना ध्यान में रखेंगे कि तीन और यहाँ पे चार, कुल सात जिलों से आपका घिरा हुआ कौन सा, तो बलौदा बाजार पूर्णतः भू आवेष्टित जिला। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ के तहसील लोकेट करते हैं हम, तो यहाँ पे कुल छः तहसील है, उसमें से आपका यहाँ पे देखेंगे ये आपका बिलाईगढ़, कसडोल हो गया, बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा हो गया, पलारी हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से कुल छः तहसील आप यहाँ पे लोकेट कर लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमको देखते हैं, जैसे कि नदी देखते हैं, तो नदी में आपको दो नदी याद रखना है कि यहाँ से दो नदी यहाँ पे गुजरता है। पहला है आपका जो आपका महानदी और दूसरा है आपका यहाँ पे देख सकते हैं शिवनाथ नदी, जो कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखेंगे महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई और शिवनाथ नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई, आपको बोल रहा हूँ अभी भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार बनता है। आप दोनों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। वैसे होपफुली आपको याद होगा मैंने कई बार बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका बार नाव पारा अभ्यारण्य है। जी हाँ, जैसे कुछ क्षेत्र आपका महासमुंद में आता है लेकिन मैक्सिमम आपका क्या है बलौदा बाजार में, तो इसलिए हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे आपका बलौदा बाजार में। तो इसके बारे में सारी डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक दो चीज़ हम लोग देखते हैं, नेशनल हाईवे की बात करो तो दो नेशनल हाईवे यहाँ, एक है आपका NH-49 और दूसरा आपका NH-130B है। तो दोनों नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे, दोनों नेशनल हाईवे आपका आपका मिलता है कहाँ पे, तो सिमगा के पास, ये आपका सिमगा यहाँ मिलता है, याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं आपका रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वह आपका कौन सा, भाटापारा। तो कुल मैप में हम लोग इतना एनालिसिस कर लिए हैं, तो इसके बाद हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने के चल जाए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला अगर यहाँ पर भौगोलिक परिचय की बात करें तो गठन के देखते हैं हम लोग, तो 1 जनवरी 2012 को इससे बलौदा बाजार का गठन हुए 25वें जिले के रूप में, कब, तो 1 जनवरी 2012 को। क्षेत्रफल है इसका 4748 किलोमीटर स्क्वायर। और इतिहास की बात करें कि इसका जो गठन हुआ कैसे है, तो आपको ये याद रखना है कि रायपुर जिला का विभाजन करके इसका गठन हुआ है, अर्थात ये रायपुर का ही अंग था पहले, तो रायपुर के डिवीजन करके आपका क्या हो गया, आपका बलौदा बाजार का ना जो बोल सकते हैं गठन हुआ है, कब, तो आपका 1 जनवरी 2012 को। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। जनसंख्या की बात करें तो 13,05,343 है। साक्षरता दर जो कि बोल सकते हैं आप लिटरेसी रेट, वो है आपका 70.63%। लिंगानुपात है आपका 1,004। तो ये थे कुछ बेसिक डिटेल्स आपका बलौदा बाजार के बारे में। इसके बाद देखते हैं हम लोग तहसील की बात करें
तो तहसील में हम लोगों ने 6 तहसील जो कि लोकेट किया था। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 तहसील यहाँ पे प्रस्तावित है आपका बड़ौदा बाजार से, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके CGPSC के लिए। पहला आपका भटगांव और सेकेंड आपका लवन। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 नए तहसील बनने को प्रस्तावित है, अभी तक बने नहीं है, स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन ये प्रस्तावित है। याद रखें कौन कौन से, भटगांव और लवन, ये 6 तहसील हम लोग ऊपर के लोकेट कर लिए। नगर पालिका की बात करें, 2 नगर पालिका आपके बड़ौदा बाजार और भाटापारा। ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो 611। लोकसभा क्षेत्र आपका आता है रायपुर, और यहाँ से कौन है आपके प्रत्याशी, तो रमेश बैस। हम लोग पिछले 4-5 वीडियो में यही पढ़ रहे हैं, तो आपको याद हो गया होगा अभी तक। विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे आपको कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से, बड़ौदा बाजार, बिलाईगढ़, भाटापारा और कसडोल। बड़ौदा बाजार से आपके प्रमोद कुमार शर्मा, बिलाईगढ़ से आपके चंद्रदेव प्रसाद राय, भाटापारा से आपके शिवरतन शर्मा और कसडोल से आपके शकुंतला साहू। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको कंप्लीट, ये नव नियुक्त हैं विधानसभा सदस्य हैं, तो आपको ये हल्का सा इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नदी की बात करें, 2 नदी आपको याद रखना है, एक आपका शिवनाथ, दूसरा महानदी, तीसरा कोडार। लेकिन बेसिकली आपको शिवनाथ और महानदी याद, कोडार क्यों यहाँ पे मैं जिक्र किया हूँ तो उसको मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पड़ोसी सीमा हम लोगों ने लोकेट कर लिया कि कौन कौन से जिलों से आपका घिरा हुआ है। हम लोगों ने लोकेट किया कि कुल 7 जिलों से आपका ये आपका घिरा हुआ है, और एक चीज़ मैंने बताया कि पूर्णतः भू अवस्थित जिला है। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे। रोड में आपको याद रखना है NH 130B का, एक NH आपका 49 भी है, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपका NH 130B जो कि NH 30 का ही आपका पार्ट है, ये याद रखेंगे। तो ये आपका रायपुर से कहाँ, तो सारंगढ़, याद रखेंगे। NH 130 ABCD यहाँ पे 4 पार्ट यहाँ पे है, तो उसमें से एक है आपका रायपुर से सारंगढ़ की हो, तो ये है आपका NH 130B जो कि बड़ौदा बाजार से क्रॉस करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सिमगा में दोनों नेशनल हाईवे मिलते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ से औरेठी जो कि प्रस्तावित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि बड़ौदा बाजार का जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन सा आपका औरेठी जो कि प्रस्तावित हुआ है, अभी बना नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं खनिज के लिए। तो आप बड़ौदा बाजार का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आता है, तो एक चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो आपका चूना पत्थर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर है। तो इससे हम लोग को रिलेट करके अगर हम थोड़ा सा आगे सोचें, तो चूना पत्थर से आपका क्या बनेगा, आप सीमेंट बनेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो सीमेंट उद्योग है वो भी आपका कहाँ है, तो आपका बड़ौदा बाजार में। तो दोनों चीज़ों का आप को रिलेट करके रखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपका चूना पत्थर कहाँ था, बड़ौदा बाजार में, और सबसे ज़्यादा आपका जो सीमेंट उद्योग है वो भी आपका कहाँ है, तो बड़ौदा बाजार में। तो उन सभी को भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे खनिज में आपका मिलता है डोलोमाइट, सोना मिलता है और चूना पत्थर। डोलोमाइट में याद रखेंगे भाटापारा, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ 3-4 जगह पे है। सोना आपका मिलता है सोना खान और यहाँ पे राजदेव, ये राजा देवरी से, दोनों जगह का आप याद रखेंगे मोस्टली। और चूना पत्थर तो बहुत जगह से मिलता है, आप बेस जगह अगर कुछ इंपॉर्टेंट जगह में आप देखें, सोना डी खान हो गया, जैसे कि हो गया रवान, हो गया आपका हिरमी, हो गया जीपन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ जितने भी सभी इंपॉर्टेंट है। बस आप याद रखेंगे कि बड़ौदा बाजार मतलब दैट मीन्स कि चूना पत्थर, और वहाँ से आप सीधे पहुँच जाएंगे सीमेंट में, ठीक है। ये अगर हो गया, आगे आगे पहुँचे उद्योग में, उद्योग में आप देखेंगे कुल 4 यहाँ पे सीमेंट कंपनी है, याद रखेंगे। पहला आपका लाफार्ज सीमेंट कंपनी, सेकंड ये आपका कहाँ, तो सोना डी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न इनसे बनते हैं। दूसरा आपका अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, ये आपका हिरमी में। तीसरा आपका ग्रासिम सीमेंट कंपनी, ये आपका रावण में। और चौथा आपका अंबुजा सीमेंट कंपनी, ये आपका रवान में। यहाँ पे देखेंगे फिर से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, रावण है और रवान है, लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखें दोनों अलग जगह है, तो ये चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। एक आपको जो ग्रासिम सीमेंट कंपनी है वो आपका रावण में है, और अंबुजा सीमेंट कंपनी कहाँ है, तो ये आपका रवान में है। तो ये कुल 4 यहाँ पे सीमेंट उद्योग है, कंपनी है, सोनाडी में, हिरमी में, रावण में, रवान में, लाफार्ज, अल्ट्राटेक, ग्रासिम और एक है आपका अंबुजा। इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्र संरक्षित स्मारक और राज्य संरक्षित स्मारक। तो केंद्र संरक्षित स्मारक में यहाँ पे आपका महादेव मंदिर है, जो कि आपका नारायणपुर ग्राम में है। नारायणपुर ग्राम आपका कहाँ, आपका बड़ौदा बाजार में ही, याद रखेंगे। सिरपुर मार्ग पर यहाँ पे नारायणपुर नामक ग्राम स्थित है, तो वहीं पर आपका महादेव मंदिर जो कि केंद्र संरक्षित स्मारक में आता है। इसका निर्माण आपका 11वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था। इसमें आपको इतना ही जानकारी याद रखना है। राज्य संरक्षित स्मारक की बात करें तो कुल 4 यहाँ पे हैं। पहला है आपका सिद्धेश्वर मंदिर, जो कि आपका पलारी में। दूसरा है आपका चितावरी मंदिर, यह कहाँ, आपका धोबनी ग्राम में। तीसरा आपका प्राचीन शिव मंदिर, यह आपका डमरू में। चौथा आपका मालवी देवी का मंदिर, जो कि आपका तरपोंगा में। तो कुल यहाँ पे 4 राज्य संरक्षित स्मारक, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद देखते हैं हम लोग पर्यटन स्थल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आपका दामाखेड़ा। दामाखेड़ा सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि है कहाँ आपका, बलौदा बाजार में। प्रसिद्ध क्यों है? तो बेसिकली ये कबीर पंथियों का धर्मस्थली कहा जाता है आपका कौन सा, दामाखेड़ा, जो कि शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ये भी प्रश्न बना है कि दामाखेड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे कौन सा, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी कि यहाँ पे हर साल एक मेले का आयोजन, जहाँ भी मेले का आयोजन होता है अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि माघ पूर्णिमा को संत समागम मेले का आयोजन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। संत समागम मेले का आयोजन कहाँ होता है, दामाखेड़ा में होता है। दामाखेड़ा है कहाँ आपका, बलौदा बाजार में है। किस नदी के तट पर है, तो शिवनाथ नदी के तट पर, इतना डिटेल आप याद रखेंगे। दूसरा है आपका गिरौदपुरी, तो गिरौदपुरी आपका बेसिकली गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली, तो इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए गिरौदपुरी भी इम्पोर्टेंट हो गया आपका, और गुरु घासीदास से भी रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सारे इम्पोर्टेंट हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बलौदा बाजार से बेसिकली 40 किलोमीटर की दूरी पर महानदी और जोक नदी के संगम पर आपका स्थित है गिरौदपुरी धाम। ये बेसिकली आपको गुरु घासीदास जी का जन्म स्थान है, जैसा कि मैंने बताया। और इस स्थान को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि आपका तपोभूमि, तो ये भी नाम आप याद रखेंगे। जैसा कि बात करें, ये आपका गिरौदपुरी ग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पे कबीर पंथियों के लिए चीज़ काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं से आपका संत गुरु घासीदास जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग, एक है आपका छाता पहाड़। तो छाता पहाड़ बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे जो गुरु घासीदास जी हैं यहाँ पे इन्होंने सिद्धि प्राप्त किया था। सिद्धि मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीधा एक प्रश्न बनता है कि गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको बोलेंगे छाता पहाड़। ये आपका सोना खान बलौदा बाजार में, लोकेशन आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो फैक्ट की, तो वो है आपका एक है भंडारपुरी। अच्छा, भंडारपुरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका गुरु घासीदास जी की कार्यस्थली है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई छाता पहाड़ से, तो उसी प्रकार से वो उन्हें कार्यस्थली बन की जहाँ से वो काम करते थे, तो दैट इज़ है आपका भंडारपुरी, ठीक है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है आपका तुरतुरिया। तुरतुरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे कि बलौदा बाजार जिले में जो बलमदेह नदी के तट पर स्थित है आपका कौन सा तुरतुरिया आश्रम, ये बेसिकली महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी कि ये आपका लॉक उसके जन्म स्थली भी आपका कौन सा है आपका, तो तुरतुरिया आश्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, बोल सकते हैं आपका तुरतुरिया जो कि जगह पे है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो तीन प्रश्न, पहला तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है तुरतुरिया, इसके बीच से कौन सी नदी गुजरती है, तो ये आप याद रखेंगे बलमदेही नदी। दूसरा चीज़ कि लॉक उसकी जन्मस्थली कौन सी आपकी, तुरतुरिया। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे किससे, तो तुरतुरिया से। इसके बाद देखेंगे हम लोग बारना और पारा वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जितने फैक्ट मैंने बता रहा हूँ उठा के लाया हूँ कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो बारना और पारा का सबसे पहले गठन देखें तो ये आपका 1976 में, क्षेत्रफल देखें 245 किलोमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं, सर्वाधिक सांप इन द सेंस कि जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम क्या पाया जाता है, तो वो यहाँ पाया जाता है क्या, तो सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि इसी के क्षेत्रफल में, इसी के एरिया में आपका तुरतुरिया आश्रम भी स्थित है। और जैसा कि हम लोगों ने तुरतुरिया आश्रम में पढ़े हैं कि इसके बीच से कौन सा नदी गुजरता है, बलमदेही नदी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये है कि इसमें देवधारा जलप्रपात स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपका बलमदेही नदी। कौन से जिले में स्थित है, तो बलौदा बाजार। कौन से अभ्यारण्य स्थित है, तो बारनाव पारा वन्य जीव अभ्यारण्य। तीनों चीज़ को यहाँ पे अलग अलग एस्पेक्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देवधारा जलप्रपात कंप्लीट हो गया, बारनाव पारा वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोनबरसा नेचर सफारी। तो ये नेक्स्ट पर्यटन स्थल आपका कौन सा है, तो सोनबरसा नेचर सफारी। ये आपके ग्राम लटुआ में स्थित है, याद रखेंगे कौन से ग्राम में, ग्राम लटुआ में स्थित है। और यहाँ पे एक डियर पार्क भी स्थित है, ये आप जो देख सकते हैं आपका डियर पार्क है। और ये है आपका सोनबरसा नेचर सफारी, तो दोनों आपका है कहाँ, बलौदा बाजार के ग्राम लटुआ में, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी इनसे जो रिलेटेड फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन सारे का आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहला नाम आता है गुरु घासीदास
जी का, जो कि कार्यकाल जिनका देखे तो 1756 से 1836 तक का था। जन्म की बात करें तो 18 दिसंबर 1756 को, जैसा कि हम लोग डिस्कस किया, गिरौद ग्राम में हुआ था, कहाँ तो बलौदा बाजार में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते। इनकी माता का नाम था आपका अमरौतिन बाई, पिता का नाम था आपका महंगू दास। और यहाँ पे देखेंगे कि इनके द्वारा सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत काफ़ी प्रचलित है। तो पूछा जाता है कि सप्त सिद्धांत है क्या, तो ये बेसिकली सप्त सिद्धांत है वो आपके सतनाम पंथ के सात वचन हैं, जो कि दिया गया आपका किनके द्वारा, तो गुरु घासीदास जी के द्वारा, ठीक है। और इनके सम्मान में यहाँ पे देखेंगे, इनके सम्मान में छत्तीसगढ़ यहाँ पे शासन द्वारा एक जो बोल सकते हैं एक पुरस्कार यहाँ पे स्थापित किया गया, वो आपका गुरु घासीदास सम्मान। तो दलितों के क्षेत्र में या फिर सामाजिक चेतना के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करता है, तो इनके एक इनके लिए एक सम्मान स्थापित किया गया है, गुरु घासीदास सम्मान। इनको याद करने के लिए इनकी स्मृति में यह सम्मान स्थापित किया गया। किस क्षेत्र में ये दिया था, ये आज याद रखेंगे, सामाजिक चेतना या फिर दलित उत्थान के क्षेत्र में। दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो आपके शहीद वीर नारायण सिंह, इनसे तो काफ़ी प्रश्न बनते हैं, होपफुली आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा आपने खुद देखा होगा। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब था आपका 1795। इनका पिता का नाम था आपका कौन, तो राम साय, जो कि सोना खान के जमींदार थे। लेकिन 1830 में होता क्या है कि इनके पिता की मृत्यु रहती है, और इसके पश्चात जो शहीद वीर नारायण सिंह है वो आपके जमींदार बन जाते हैं। तो कब से बनते हैं ये जमींदार, तो 1830 से। कहाँ के जमींदार, सोना खान के। सोना खान है कहाँ आपके, बड़ौदा बाजार में। ये आपका क्लियर हो गया। और दूसरा इनसे एक कॉमन जो क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, वो ये है कि जो शहीद वीर नारायण सिंह है वो कौन से समुदाय के या फिर कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका बिंछवार जो जनजाति है उनसे बिलोंग करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे, तो ये आपके बिंझवार जनजाति के। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे इनसे रिलेटेड फैक्ट ये है कि इन्होंने किया क्या था कि 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल आने पर कसडोल के व्यापारी माखन लाल के गोदाम से अन्न लूटा था और गरीबों में बांट दिया था, जितने भी जरूरतमंद थे। कब की बात है, 1856 की, 1856 की। तो इसके बाद क्या होता है आपका, 24 अक्टूबर 1856 को इन्हें संबलपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और आगे चल के 28 अगस्त 1857 को ये जेल से भाग निकलते हैं और क्या करते हैं, आगे चल के मोर्चाबंदी करते हैं। याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर में गिरफ्तार होते हैं, लेकिन 28 अगस्त 1857 को जेल से भाग निकलते हैं और क्या करते हैं, मोर्चाबंदी करते हैं। लेकिन ये पुनः पकड़े आते हैं और 10 दिसंबर 1857 को इन्हें क्या दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। याद रखेंगे 10 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी दे जाता है रायपुर के जय स्तंभ चौक में, ये आप याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी स्मृति में एक सम्मान जो स्थापित किया वो है आपका शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, तो जो कि दिया जाता है आपका आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। जो हाल ही में करेंट बेसिस इसमें जो क्वेश्चन बनते वो आप याद रखेंगे, ठीक है। आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान में ये दिया जाता है आपका शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। इसके बाद है आपकी मिनी माता, तो मिनी माता का जन्म आपका होता 1913 में, यहाँ पे याद रखेंगे जमुना मुख असम में। इनकी माता का नाम था आपका मती बाई। इंपॉर्टेंट चीज ये है जिनसे प्रश्न बने हुए है कि 1952 से 1972 तक कहाँ कहाँ कौन कौन से लोकसभा के इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो उसमें आता आपका सारंगढ़, जांजगीर, महासमुंद, तीनों जगह से यहाँ पे याद रखेंगे लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी है कौन, तो मिनी माता। तीनों जिलों का नाम याद रखेंगे, सारंगढ़, जांजगीर चांपा और तीसरा आपका महासमुंद, याद रखेंगे तीनों का। और बेसिकली ये प्रसिद्ध हैं क्यों, तीनों ने बेसिकली बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर करने के लिए संसद में आवाज़ उठाई अर्थात समाज में जागरूकता फैलाई, सतत प्रयास में लगे रहे बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में। और एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे इनसे रिलेटेड जो है वो ये कि छत्तीसगढ़ में कृषि तथा सिंचाई के लिए आप सभी को मालूम है हसदेव बांध परियोजना इनके प्रयासों का ही परिचायक है। जो आपका हसदेव बांध परियोजना है वो मिनी माता के प्रयासों का एक परिचायक है, जो दिखाता है इस चीज़ को कि वो कितनी अपने कर्तव्य के लिए जो जो समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, चाहे वो दलित उत्थान हो, चाहे वो बाल विवाह के विरोध हो, चाहे वो दहेज प्रथा के लिए हो, चाहे कि एक किसानों के हित के लिए जो काम किया हो, तो ये उन्हीं चीज़ों का परिचायक है। तो ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। इनकी मृत्यु की बात की तो 11 अगस्त 1972 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु होगी मिनी माता की,
तो ये आप याद रखेंगे। इनके भी सम्मान में यहाँ पे इनके भी स्मृति में एक सम्मान स्थापित किया गया आपका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, वो है आपका मिनी माता सम्मान, जो कि महिला उत्थान के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे मिनी माता के बारे में। इसके बाद है आपका सोना खान विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह आपका सोना खान, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में से मैक्सिमम चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये आपका हुआ कब, तो 1856 को। स्थान है आपका सोना खान बलौदा बाजार। नेतृत्व तो किन्होंने किया, तो वीर नारायण सिंह ने सोना खान के जमींदार। क्या किया था, तो अकाल के दौरान कसडोल के व्यापारी माखन लाल से क्या किया, गोदाम से अनाज लुटकर पीड़ितों को बांट दिया था। गिरफ्तार कब हुए, तो 2 दिसंबर 1857 को। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, 2 दिसंबर 1857 गिरफ्तार किन्होंने किया, तो वो थे आपके कैप्टन स्मिथ किए थे। लेकिन जब 10 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी दिया जाता है, तो ये याद रखेंगे कि उस समय जो तत्कालिक अधीक्षक थे वो थे आपके चार्ल्स इलियट। तो यहाँ पे दोनों से प्रश्न बन चुके, गिरफ्तार किन्होंने किया तो कैप्टन स्मिथ, और यहाँ पे जब फांसी दिया गया तो उस समय अधीक्षक कौन थे, तो वो थे आपके चार्ल्स इलियट। तो दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्लियरिटी से पढ़ेंगे, ठीक है। फांसी कहाँ दिया गया आपका, जय स्तंभ चौक रायपुर, ये भी पूछा जा चुका है। वीर नारायण सिंह के बारे में एक बताया था कि छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद कौन, तो वीर नारायण सिंह। और आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन, तो वो आपके कहलाएंगे गेंद सिंह। दोनों में फिर कन्फ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन जहाँ पे लग जाएगा मतलब वीर नारायण सिंह, और केवल पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन, तो उसका आंसर होगा आपका गेंद सिंह, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यह लगभग एक वीडियो कंप्लीट। और जनजाति की बात कहते हैं, एक आपका कोंग प्रधान बिंझवार, और एक आपके सौरा जनजाति, जो वीर नारायण सिंह भी इसी जनजाति से बिलोंग करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि भाटापारा में आपका प्रथम तुलसी अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा, तो ये आप याद देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके करंट के दृष्टिकोण से कि भाटापारा में आपका कौन सा जो अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा आपका, तो तुलसी अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों ये वीडियो बेसिकली आज का लेक्चर जो आज का जिला यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कि ये सीरीज़ है आपका, ये कोर्स है आपका कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा भी हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर अपॉइंट करने की कोशिश की है आपके, जो सुपर 50 के पंकज सर है वो भी काफ़ी हद तक कई कई लेक्चर्स आप सभी के ले रहे हैं। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा कि उनके मार्गदर्शन में हम सभी यहाँ पे क्या करेंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।